हेलो गाइस, वेलकम टू हमारी स्टोरी। तो हमारी स्टोरी में हम यानी डीमेंजे, हमारी बीवी सुनीता, हमारे दोनों बच्चे ऋतिक राज और बकबक गर्ल, एंड हमारा खड़ूस बॉस जीएसके, एंड हमारे बड़के भैया जेजे डीएसजी सर है। तो चलो कहानी हम अपने नजरिए से बताते हैं। तो आ गए हमारी मौत का तमाशा देखने तुम लोग। अब भैया आ गए हो तो पूरा वीडियो देख के ही जाना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ये जो बैकग्राउंड में आप लोग घर देख रहे हैं ना, ये है हमारा छोटा सा घर, लेकिन हमने इसमें बड़ी से बड़ी खुशियां बिताई हैं। तो चलो आप लोगों को इस घर से रूबरू कराते हैं, इस घर की कहानी से रूबरू कराते हैं। तो आइए, जब रोज सुबह मुर्गा बांग देता है ना, तो हम सबका सवेरा होता है और हम सब जागते हैं, और जाग के ना आपस में हंसते हैं, बोलते हैं, एंड अपनी आंखों का कीचड़ वीचड़ छुड़ा लेते हैं अगर फुर्सत मिल जाती है। थोड़ा बहुत मंजन कुल्ला भी कर लेते हैं, और ज्यादा गहराई में मत जाना, नहीं तो फिर लोटा खेत और भारी भरकम पेट और हल्के होने पे आना पड़ेगा। वो सब तो समझदार लोगों को इशारा ही काफी है। चलो भैया, तो अब सुबह सुबह जब आपस में हंसते हैं, बोलते हैं, प्यार करते हैं, तो एक सुखी परिवार वाली फीलिंग जो आती है ना, उस फीलिंग से बिल्कुल गदगदा जाते हैं। और गदगद होके ना जो रोम रोम में, मतलब खुशी के एक होता नहीं है कि सुनामी आ जाती है, तो वो खुशियां आप सबको पता ही होंगी क्योंकि आप लोग भी एक परिवार से ही हैं। तो हंसना, बोलना, खेलना, कूदना, बच्चों के साथ जिंदगी बिताना, इससे अच्छा और क्या पल हो सकता है। तो अब हमारी जिंदगी में बच्चों के ओझल होते ही, अभी तक जो हमारी जिंदगी में हम जिस परी को ब्याह के लाए थे ना, वो परी बच्चों के ओझल होते ही पता नहीं काहे चंडालिका बन जाती है और हमारी जिंदगी की वाट लगा देती है। अब भैया घर में हो, बीवी हो, चूल्हा चौका बर्तन तो लगेगा ही, नहीं उस पर इनकी स्पेशल फरमाइशें आ जाती हैं। जो अभी तक परी थी उनकी लड़ाइयाँ होने लगती हैं। ये चूल्हा कब से है, हाँ जल रहा है मेरा, मुझे गैस चूल्हा ला के दो। अब तो मोदी भी सबको चूल्हा बांट रहा है, उसी कोटे से ला के दो, नहीं ला के दोगे बच्चों की फीस भी जमा करनी है, उनकी फीस नहीं जमा होगी तो नाम काट दिया जाएगा। सुबह सुबह लड़ाई का माहौल कौन बर्दाश्त करता है, आप ही लोग बताइए। नहीं आप चाहेंगे कि आप सुबह उठें और कीचड़ छुड़ाएं और बस लड़ाई हो। तुम मैके चली जाओगी तो बच्चों का और हमारा क्या होगा, पिछली बार तुम मैके गई थी सूख के पापड़ हो गए थे, हम नहीं जाने देंगे तुमको मैके, यहीं रुको। खाना पीना कौन बनाएगा, माना बकबक बिटिया बड़ी हो गई लेकिन उसको भी आगे बढ़ना है, पढ़ना है, बहुत कुछ करना है। हम शाम तक कुछ करते हैं, परेशान ना हो तुम, हम कुछ कर लेंगे आज शाम तक, खाली हाथ नहीं आएंगे। अरे बच्चे आ गए, चलो भैया, बबुआ ऋतिक बबुआ बकबक बिटिया, चलो झोला उठाओ, चलो स्कूल चलो, तुम लोगों को स्कूल छोड़ दें और कल मास्टर जी से कह देना फीस जमा हो जाएगी। चलो जल्दी जल्दी झोला उठाओ, हमको भी काम पे निकलना है, देर हो गई है वैसे भी थोड़ा, तुम्हारी मम्मी बातें कर रही थी प्यारी प्यारी, तो हमको थोड़ा देर हो गई, चलो बिस्तर बस्ता उठाओ। अभी तक तो पापा ठीक थे, ये पता नहीं कहा एकदम से मम्मी कितना बड़बड़ाने लगे। चलो कोई ना, होगा कोई दिक्कत उनको, मम्मा जा रहे हैं। हाँ बच्चों जल्दी से जाओ स्कूल में, अपना ख्याल रखना, बकबक दीदी का ख्याल रखना, और टिफिन पूरा खत्म कर देना। अगर टिफिन में एक भी रसगुल्ला बचा ना, तो वही रसगुल्ला खिला खिला के मारूंगी। जाओ और बकबक दीदी का ख्याल रखना, और बकबक बिटिया छोटे भाई की उंगली पकड़ के जाना, रास्ते में शैतानी नहीं। अरे हमने सोचा ये लोग बड़े होंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे, ये तो आगे ही भागते जा रहे हैं। अरे रुको रे मेरे जिगर के छल्लो, साथ में चलो, नहीं तो पापा मम्मी से शिकायत कर देंगे। हमको तो ऐसा लगता है हम स्कूल छोड़ने ही नहीं जाते हैं, खाली निगरानी रखने जाते हैं। अरे बाय तो बोलो पापा से, अरे पापा से प्यारी नहीं करते क्या, बाय बाय मेरे जिगर के छल्ले, बाय, अपना ख्याल रखना, और कोई ज़रूरत हो तो बता देना, मास्टर साहब से कह देना कल तक फीस जमा हो जाएगी, हम चलते हैं, और तुम लोग दोनों लोग एक दूसरे का ख्याल रखना, आपस में लड़ाई नहीं करना, चलो बाय, अब हम जाते हैं काम पे, वैसे भी बहुत लेट हो गए, अब बॉस की खिचपिच सुननी पड़ेगी। अरे यार ऑटो भी नहीं दिख रहा है, कहाँ ढूंढे जाके। अरे ओए सुनो भैया, हीने आओ, अरे हीने इधर बे, ओए तुम इस कह रहे, रुको रोको भैया, चलो जल्दी एक्शन बोर्ड हार्डवेयर लिमिटेड ले चलो, 10 रुपया में तुम्हारे ताऊ बैठे हैं क्या, 5 रुपये हम रोज जाते हैं, हम तो बैठेंगे इसी ऑटो में, चलो जल्दी जल्दी निकालो ऑटो, तेजी में चलो। भैया सुनो यार, अपनी धनों को थोड़ा चेन्नई एक्सप्रेस में बदलोगे, बहुत लेट हो गया है, बॉस हमारी जान खा जाएगा, घींच घोट देगा, जल्दी दौड़ाओ जल्दी, और तेज, इसके ऊपर कोई गियर नहीं होता का, अरे लगा लो भैया,
कह रहे आज जिंदगी और मौत का सवाल है, घर पे बीवी जान खाती है, ऑफिस में बॉस जान खाता है, अब एक तुम मिले हो। अरे यार इनको ना बैठाओ, चलो यार जल्दी। अरे यार ये तो शुक्ला जी हैं। अरे आओ शुक्ला जी बैठो, जल्दी जल्दी चलो भैया। और शुक्ला जी क्या चल रहा है? अरे बढ़िया ही चल रहा है यादव जी। भाई साहब शुक्ला जी, आजकल की जिंदगी ना भाभी ठीक तो रहती हैं, आपको परेशान तो नहीं करती? हमने सोचा पूछ लें, आप तो पूछेंगे नहीं। नहीं भाभी के बारे में तो रहने ही दो। अच्छा आपों का हमारी तरह है हाल, लेकिन बताओगे नहीं? भैया जल्दी करो यार, बहुत डांट पड़ेगी नहीं तो आज बॉस वैसे। एक तो पत्थर दिल, नाम तो सुने ही होगे, पत्थर दिल, खूनी प्यासा, खूनी दरिंदा गिल्ड, बहुत फेमस है खूनी दरिंदा गिल्ड, उसी तरह फेमस है ये GSK चिंदी चोरी में। एक भी पैसा नहीं छोड़ते किसी पे बकाया, यहाँ तो हम पूरे 15 मिनट लेट हो गए। जल्दी जल्दी बस भगाओ भैया भगाओ। अरे भैया भगा तो लिए, 5 रुपया निकाल के जेब में टनवा तैयार रखो, बस पहुँचने वाले हैं। आ गया तुम्हारा स्टाफ फालतू की पकड़ पकड़। तुम्हारा नाम पकपक दास होना चाहिए था, सही बता रहे हैं? DMNJ नाम पता नहीं कौन सोच के रख दिया क्या। बस रोको, अरे कहाँ ले जा रहे भैया, रोक लो, आ गया, दिखाई नहीं दे रहा इतना बड़ा बैनर लगा है एक्शन बोर्ड का। ये लो 5 रुपया और जल्दी निकल लो। अरे भैया फूटो जल्दी जल्दी फूटो यहाँ से। अरे शुक्ला जी मिलते हैं शाम को, मिलिएगा बैटल ग्राउंड पे, मारेंगे 2-4 गोली आपके भी मुंह पे। बाय बाय, निकल बे। हाँ तो भैया अब आप लोगों को बता दें, ये एक्शन बोल्ट हार्डवेयर लिमिटेड, जहाँ से हमारे घर की और हमारी रोजी रोटी चलती है। अब ऐसा है, बात हम आपको फास्ट फॉरवर्ड में बताएंगे, जल्दी जल्दी हमको जाना है ऑफिस क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। और वो हमारा बॉस जो है, वो बॉस नहीं है, उसको चौकीदार होना चाहिए था। अरे बॉस लोग AC रूम में बैठते हैं, लेकिन उस ससुरा वो बैठेगा कहाँ पे, जहाँ बाहर खुले में शौच। विद्या बालन भी बोल चुकी है खुले में शौच करना बहुत हानिकारक है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते। उनको आके मोदी भी खुद से बोलेंगे ना, तब भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो GSK हैं, चिंदी चोर नंबर 1, पत्थर दिल। अरे आ गए बॉस, थोड़ा रजिस्टर रजिस्टर दे दीजिए, रिपोर्ट कर दें, दे दीजिए, थोड़ा हाजिरी वाजिरी लगा दें, और साहब थोड़ा एडवांस एडवांस दे देते तो कृपा हो जाती, घर में थोड़ा दिक्कत चल रही है, थोड़ा सा एडवांस दे दीजिए। हम ये डायलॉग हमारा बोलना नहीं हुआ, और इनका दे लेक्चर पे दे लेक्चर, लेट आए हो, पूरा 15 मिनट लेट हो, पैसे चाहिए एडवांस में, पैसे चाहिए तो बड़ा काम करो, बड़ा काम करो, बड़ा नाम करो। अरे नाम करना होता तो JCB के ड्राइवर बनते, स्कूल में ना पढ़ लेते, स्कूल में पढ़ के ही नाम रोशन कर लेते, आज कहीं अधिकारी बन के बैठे होते, लेकिन इनको कौन समझाए? पापी पेट का सवाल है तो मुंडी झुका के सुन रहे हैं, नहीं तो अभी तक इनके मुंह पे एक है मारते ना हेडशॉट और निकल लेते यहाँ से। कोई नहीं, अब सुनना तो पड़ेगा भैया। ऐसा है जल्दी से यूनिफॉर्म पहन के आओ, एक तो लेट आयो, अगर ज़्यादा पैसा कमाना है तो ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा मेहनत करोगे तभी पैसा मिलेगा। चलो यूनिफॉर्म पहनो जल्दी से और रजिस्टर कराओ। जा रहे हैं मालिक, आज कितने टेंडर हैं, आके लिखते हैं, आके पता करते हैं। बस ये रोज का इनका नाटक है, बस 3 मिनट मुंडी, 15 मिनट लेट हो जाओ, 2 मिनट की मुंडी नीचे करके इनके डायलॉग सुन लो, 17 मिनट का फायदा तो ऐसा ही है। चलो भैया कपड़ा वपड़ा पहनते हैं, चलते हैं। तो भैया ये है हमारी ऑफिशियल यूनिफॉर्म, इसको आपने कई जगह देखा होगा, ये पीली टोपी तो पहचानते ही होंगे ना, अक्सर JCB के अंदर बैठे होते हैं तो आप लोगों को दिखाई देती होगी। कोई नहीं, आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है JCB की खुदाई, JCB की खुदाई। अब भैया JCB को ट्रेंडिंग में लाओ, हमारा कहे ट्रोल कर रहे हो। चलो कोई नहीं, मालिक आज कितने जगह का है? आज पूरे 4 जगह का आया है, लेकिन उसमें से 2 जगह का तुम कर लो, बाकी हम दूसरों को दे देंगे। दिहाड़ी 500 रुपये नगद हर काम पे, और तो और पेमेंट एडवांस में। अरे मालिक हमको 4 जगह का दे देना, हम 4 जगह निपटा लेंगे, हमको एड्रेस वेड्रेस लिखवा के दिलवा दो, हम पहुंच जाएंगे, 4 जगह खुदाई कर लेंगे। तो भैया JCB में चढ़े, जैसे ही लगी हाथ में JCB की चाबी, दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई कि घर पे हो ना जाए बेलन से सुताई, क्योंकि वहां भी बैठी है खड़ूस सी लुगाई। तो हमने भी JCB से 4 जगह कर दी, देख खुदाई पे देख खुदाई। तो भैया खुदाई करके सुबह से हो गई शाम, अब हम अपने घर की तरफ निकलते हैं, बहुत देर हो गई। मन में बस एक ही ख्याल है, कहीं बीवी झुलिया बिस्तर लेके कहीं मैके ना चली गई हो। एक तो बीवी की जुदाई, ऊपर से ये सारा दिन भर JCB की खुदाई, हालत टाइट हो जाती है इंसान की। मालिक 4 जगह कर दिए हैं भैया खुदाई, अब हमारी जो भी पेमेंट बनी है वो दे दो और हम निकलें, बच्चों की फीस जमा करनी है, एडवांस तो आपने दिया नहीं। तो भैया जैसे ही मालिक हमारे हैं, भले भैया पत्थर दिल, लेकिन जैसे ही बच्चों की फीस का नाम आया ना, मालिक भी बेचारे पिघल गए।
वहीं पिघल गए, तुरंत पिघल गए। मालिक ने हमको हमारे 2,000 रुपये तो दिए जो हमारी पेमेंट बनी, साथ में उन्होंने हमें 500 रुपया बोनस भी दिया। बोनस समझ में आता है? अरे वही लड्डू वड्डू जिससे खाते हैं यार, वो बोनस दिए हमको। अब भैया जल्दी से यूनिफॉर्म बदलो और जल्दी से घर निकल लो, बस एक ही इरादा है, नहीं तो बीवी भी भाग जाएगी, 2-4 लड्डू उसके लिए भी ले जाएंगे। तो भैया अब जल्दी से बस निकलना है और यहाँ शाम को सारा टैक्सी नहीं। अरे अरे आज तो भाग्य खुल गया। भैया ओ भैया टैक्सी वाले रोको, जल्दी जल्दी रोको। हाँ भैया चलो भैया ऊपर ले चलो यार हमारे घर पीक पे, और कहाँ, चलो जल्दी से। अरे कहाँ खेल रहे हो आगे पीछे, बैठा लोगे कि नहीं? चलो चलो हम तो 5-6 रुपया देंगे, हम 10-10 नहीं देंगे, रात होने का फायदा ना उठाओ। चलो भैया अब जैसे भी हो निकले, पूरे दिन की थकान हो उसके बाद बस माइंड फ्रेश होना चाहिए। भैया ओ ऑटो वाले क्या नाम है तुम्हारा, जो भी नाम है भैया गाना बजा दो कोई, हमें पता है तुम सनी देओल के फैन हो। अरे मैं निकला हो रिक्शा लेके, डिन डिन चा डिन डिन, मैं निकला हो रिक्शा लेके, हो रस्ते पे हो सड़क पे एक मोड़ आया, डीजे इस पाड़ा, मैं उत्ते जैसी भी छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं उत्ते जैसी भी छोड़ आया, ओ रब जाने। अरे बस रोक दो, अरे गाड़ी, अरे रोक दे, गाना बंद कर, गाड़ी रोक दे। चलो भैया मिलते हैं कल फाइनली। अरे बच्चन के लिए नोटबुक लेनी थी, ठीक है जे भैया की दुकान पे कोई खड़ा है? ये कौन खड़ा है, ये तो एमजे स्नाइपर लग रहा है, ये यहाँ क्या कर रहा है, ये तो COD कॉलोनी में ट्रांसफ़र हो गया था, ये फ्री फायर नगरी में क्या कर रहा है? भैया एमजे तुम ही हो ना, आगे से देखते हैं यार। अरे एमजे, अरे जे भैया ये एमजे क्या कर रहे हैं यहाँ? अच्छा इनके रुपया बाकी थे कुछ, चलो चलो दे दो सामान, फिर हमारी भी सुन लो कुछ। अरे जे भैया 2 ठौरी नोटबुक दे दो एंड 2 ठौरी पेन दे दो, घर पे ऋतिक बबुआ बकबक बिटिया को देना है, सुने भर गई कॉपी वॉपी उनकी। और आ गए तुम, ऐसा है कहाँ चल रहा आजकल, बड़ा आवाज़ आ रही तुम्हारे घर से लड़ाइयन के लिए, सब सही तो चल रहा है ना, कुछ दिक्कत हो तो हमें बता देना। और सुनो हमारी सेल बहुत अच्छी हुई पिछले हफ्ते, 1 ठौरी टिफिन देते हैं वो भी ले जाओ, और ऋतिक बबुआ को दे देना जाके, सुने पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो, हाँ दे दियो जाके घर में आराम से, और कोई दिक्कत हो तो तुरंत हमको बता दियो, घर बाजू बाजू में घर है तब भी यार तुम बताते नहीं हो। नोटबुक 2 ठौरी पेन, पेन नीला लोगे कि काला, कोई भी दे दो भैया कुछ भी चलेगा, वैसे नीला दे दियो, ही लो लेके जाओ, और ऋतिक बबुआ को हमारा प्यार दियो, कह दियो जे ताऊ पूछ रहे थे आजकल घर पे नहीं आ रहा है, उसको घर पे भी भेज दो, थोड़ा देख लें हम कहाँ चल रहा है उसकी पढ़ाई लिखाई में, थोड़ा पढ़ा उड़ू देंगे, मदद कर देंगे उसकी। चलो अच्छा जा इधन, जल्दी चलो यार घर, पता ना फूलन देवी क्या कर रही हुई हैं घर पर, आज नसीब माँ जली खुची रोटियाँ हुई हैं कि आज ढंग की रोटी और खाना मिली है, देखी थन चलो जल्दी यार बहुत देर हो गई है आज। अरे कहीं मैके ना चली गई हूँ यार, हमको तो बड़ी टेंशन हो रही है, खाने पीने के लाले लग जाएंगे। चलो भैया देखते आज पूरी दिन की थकान के बाद 2 पल की रोटी मिलेगी कि झोला बिस्तर लेके निकल गई। ए लाडलो ए मेरे जिगर के टुकड़ों, अरे लाल हरे नीले पीले सुन लो रे, ए बबुआ ऋतिक कहाँ गई तुम्हारी मम्मी, ए ऋतिक बबुआ सुन नहीं रहे, मन कर रहा है एक देख कान के नीचे चटाक से, ए ऋतिक ए बकबक मम्मी कहाँ गई तुम लोगन की, पापा ही ने कहूँ थी, अरे कहाँ है हम ये पूछ रहे हैं, थी क्या कर रही थी जल्दी बताओ, रोटी पास नहीं थी पापा रोटी, चलो अच्छा देखते हैं भैया रसोई घर, अरे खुद अरे रे भैया चलो भैया पोसम पस थक गए, रिंगा रिंगा रोजेस खेल लो जमीन पे रेंग रेंग के, कपड़ा गंदे कर लो, बढ़ा दो घड़ी डिटर्जेंट का खर्चा। आ गए तुम खुदाई करके, बहुत बड़ी कमाई करके, आखिरी बार कह रहे हम अगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ तो मैके चले जाएंगे, इसको चाहे वार्निंग समझो चाहे जो, हमको पैसा चाहिए, कल बच्चन की फीस जमा होनी चाहिए, नहीं तो हम मैके जा रहे हैं अपने बच्चन का लेके, फिर ना कहीं ना अकेले छोड़ के चले गए, मोहल्ले में नाक कटा दी। देख रही हो अपन ऋतिक बबुआ कितना समझदार हुआ है,
हम उक्का टिफिन दिए जय जय ताऊ, उठा के अपनी दीदी को दे दिया है। हम कह रहे तुमसे एक दिन ये लौंडा नाम रोशन करेगा, और ये लो 2000 रुपया और साथ में 300 रुपया बचे हैं, 300 रुपये एक लड्डू मंगा लेना, पेट वेट साफ हो जाएगा बच्चन के। और देसी घी के लड्डू मंगाना, कंजूसी नहीं करना, बोनस मिला है, बोनस का मिला है, बोनस। तो लड्डू अच्छे मंगाना, नहीं तो बोलो हम बोल दें ऋतिक बबुआ से। पैसा मिलते ही बस प्यार बरसने लगा। सुबह तक बेलन से सुताई कर रही थी, बेलन बरस रहे थे, अब प्यार बरसा रही हैं। आओ तनी 2 मिनट बात करनी है तुमसे। बच्चन का आगे कौन सी पढ़ाई करवानी है कौन सी नहीं, डिस्कस कर लें तुमसे, आओ जल्दी। तो अब आप लोगों से खाली इतना ही कहना है भाई, जो भी आप लोग ट्रोल करते हैं जेसीबी को, जेसीबी के खुदाई को करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने कई जगह जोक्स एंड देखे हैं जो जेसीबी ड्राइवर्स के ऊपर बने हैं। तो गाइस, जेसीबी ड्राइवर एक मिडिल क्लास फैमिली और उससे भी लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनको ट्रोल करने की बजाय यार किसी बड़े आदमी को ट्रोल करो। किसी नेता ने टिप्पणी दी थी वहाँ से शुरू हुआ, तो उस नेता को ट्रोल करो। तो जो भी है ट्रोल करो, जेसीबी की खुदाई करो, जेसीबी को करो, बट उस ड्राइवर को ट्रोल मत करो जिसकी ज़िंदगी में ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे जो मैसेज देना चाहते थे, वो पुअर होते हैं, उनका मजाक मत बनाओ। बी डायनामाइट, बी बुया, आग लगा दो, आग लगा दो, एंड लाइक कर दो। अरे हाँ हाँ, टेंशन ना लो। अरे ऋतिक बबुआ, इलो टिफिन तुम्हारे जे जे ताऊ ने दिया है, रख लो तुम। हाँ, अरे पापा टिफिन, बकबक दीदी ई टिफिन आप ले जाना, हम देखें आपकी सहेलियाँ आपको चिढ़ा रही थी, हम आपका पुराना वाला ले जाएंगे, ठीक है आप रख लो। आओ दीदी, पोसंपा पोसंपा खेलें, बहुत देर खेल लिया रिंगा रिंगा।